क्या कोई बुजुर्ग अपनी ही 88 साल की उम्र को चैलेंज कर सकता है? जवाब है हाँ, कर सकता है। और आपको ये बता दे कि बोस्निया में ऐसा हुआ भी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बोस्निया के इब्राहिम कलेसिक का ये हवाई जंप सीधे तौर पर 88 साल की उम्र को सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इसे 88 साल वाला दुस्साहस भी कह सकते हैं। ये सबूत है हौसलों की उड़ान का, जिसे केवल युवाओं के जोश के लिए ही रिजर्व माना जाता है। इब्राहिम कलेसिक ने उसी मिथ को अपनी इस जंप से तोड़ दिया है। Sam zvanično najstariji padobranac u Evropi koji aktivno skače. Volio bih još bar još moja želja da je डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 10 godina još ovako traje da postavim Guinnessovu knjigu, da uđem Guinnessovu knjigu rekorda kao एक नौजवान के तौर पर कलेसिक ने खुद स्काई डाइविंग ट्रेनर बनने की सर्बिया के एक उड़ान सेंटर से ट्रेनिंग ली थी। 1963 में इब्राहिम कलेसिक ने 5500 मीटर की ऊंचाई पर विमान से छलांग लगाकर युगोस्लाव रिकॉर्ड बनाया था। U mojoj karijeri padobranskoj dešavalo se da se padobran ne otvori. Skoro sam imao u Banja Luci otkaz padobrana, ali to nije greška u padobranu, niti u pakovanju, nego... इब्राहिम कलेसिक के मुताबिक 88 साल की उम्र में वो नियमित रूप से हवाई जहाज से कूदकर फिट रहते हैं। फिजिकल फिटनेस के अलावा इब्राहिम कलेसिक खुद को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी फिट पाते हैं। फिट रहने के लिए इब्राहिम कलेसिक की पत्नी भी उनकी भरपूर मदद करती है। वो सुनिश्चित करती है कि उनका पति अपनी डाइट को लेकर बेहद सतर्क रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।